एवरीवन, वेलकम टू माय शिवानीयवी व्लॉग्स चैनल। तो गाइस, आप वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये न्यू स्टाइल से मैगी बनाना सिखाने वाली हूँ आज मैं आपको। तो देखिए, कम मसालों में कितनी जल्दी से आपकी मैगी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ को चॉप कर लिया है। ये बंद गोभी और शिमला मिर्च, दो मिर्च, एक टमाटर और मटर। और यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, अजनोमोट, काली मिर्च और दो मसाला मैगी के पैकेट। और मैंने यहाँ पे मैगी उबाल ली है और अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है क्योंकि हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। और इसको अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। नवरात्रि चल रही है इसलिए हम प्याज नहीं खाते हैं नवरात्रि में, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि ये कच्ची ना रह जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे अच्छे से भून गई है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी और मटर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मसाला जो हमने बनाया है ये कच्चा ना रह जाए बिल्कुल भी। और ज़्यादा भी नहीं पकाना है, मतलब मीडियम पकाना है, ना ज़्यादा कच्चा और ना ही ज़्यादा पका हुआ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अलग तरीके से मैगी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने मसाले कुछ अलग तरीके से यूज़ किए हैं और मसाले भी काफ़ी कम लगाए हैं, आप देख सकते हैं। बस काली मिर्च और अजनोमोट लिया है और नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, जितना आप नमक खाते हो आप उतना यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे हम सारे मसाले डाल देंगे कढ़ाई में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिर्फ चार मसाले, चार भी नहीं, आप तीन ही समझिए, क्योंकि चौथा मसाला तो आपको पता ही है वो मैगी मसाले के साथ ही आता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि मसाला ना लग जाए ताकि हमारा, और ज़्यादा हमें नहीं भूनना है नहीं तो मैगी मसाले का स्वाद ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें मैगी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ गाइज, आप देख सकते हैं। और मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप इसको सर्व कर दीजिए और काफ़ी टेस्टी लगती है ये मैगी। ये देखिए, यहाँ पे मेरी मैगी बनके हो चुकी है रेडी। और काफ़ी मसाले भी ऐड नहीं करने पड़ते, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसको बनाने के लिए, एकदम से झटपट तैयार हो जाएगी आपकी मैगी न्यू स्टाइल से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।